सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक के मामले में एसओजी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। निलंबित मेंबर बाबूलाल कटारा ने पूछताछ में बताया कि उसने फ्री में पेपर पूर्व मेंबर रामूराम रायका को दिया था। दोनों पुराने दोस्त हैं, इसलिए उसने कोई पैसे नहीं लिए थे। दोनों आरोपियों से करीब 9 घंटे हुई पूछताछ में कटारा ने बताया कि उसे पेपर कहां से मिला था। दरअसल रामूराम रायका के बेटा बेटी की पेपर लीक में गिरफ्तारी के बाद रायका को भी करीब 16 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में रायका ने बाबूलाल कटारा से पेपर मिलने की बात स्वीकारी थी। इसके बाद एसओजी ने कटारा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। कटारा पर रीट पेपर लीक का भी आरोप है। कटारा और रायका से एसओजी की टीम ने करीब 3 दिन तक लगातार पूछताछ की। इसमें कटारा ने कहा कि पेपर केवल रायका के बच्चों के लिए दिया था, वो रायका को 10 साल से जानता है, इसलिए उसने पेपर दिया। करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ में एसओजी की टीम ने दोनों से 10 से ज्यादा सवाल पूछे। हालांकि एजेंसी को इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है, रायका ने यह पेपर और किसी को दिया था या नहीं। वहीं बाबूलाल कटारा ने रायका के अलावा एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर और किसे दिया है, दोनों से फिलहाल अलग अलग सवाल जवाब हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी हो सकती है। दोनों आरपीएससी के पूर्व सदस्य फिलहाल जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। एसओजी ने कटारा और रायका से कुछ सवाल पूछे थे, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने पूछा कि दोनों ने और कौन सी परीक्षा के पेपर अपने कार्यकाल के दौरान लीक किए, आपके कार्यकाल के दौरान कौन कौन आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य आपके साथ जुड़े थे, बैक ऑफिस से कौन कौन लोग आपके गैंग में शामिल थे जो अभी तक एसओजी के रडार से दूर है, सरकार में कौन कौन आपके नजदीक थे जो जानते थे कि आप लोग यह कांड कर रहे हैं और उन्हें क्या फायदा हुआ, क्या आरपीएससी अध्यक्ष को कभी पता ही नहीं चला कि आप क्या कर रहे हैं, वो मौन क्यों थे, शिकायत क्यों नहीं की, क्या आरएस भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक करके अपनी परिचित और जानकारों को दिया था, इन दो परीक्षाओं के अलावा और अन्य कौन कौन सी परीक्षा है जिसके लिए पेपर लीक किए गए, चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में भी क्या आप दोनों की सांठगांठ थी, क्या वहां भी इस तरह का खेल चलता था, कितने लोगों को आपने एसआई भर्ती, जेएन भर्ती और आरएएस भर्ती का पेपर दिया था, इंटरव्यू में एक दूसरे के कितने लोगों की आप दोनों ने मदद की, अन्य सदस्य क्या आपका विरोध नहीं किया करते थे, राज्य की सबसे मजबूत संस्थान के सदस्य होने के बाद आपने कमजोर गैर जिम्मेदार लोगों को नौकरी पर लगाया, एसआई का पेपर आने के बाद किसने उसे कागज पर लिखा, यह काम कहां पर हुआ और कौन कौन मौजूद था। एसओजी की पूछताछ में कटारा ने एसओजी के अधिकारियों को यह बता दिया है कि एसआई भर्ती का पेपर उस तक कैसे पहुंचा, जिसके बाद एसओजी ने आरपीएससी के कुछ कर्मचारियों से इसे लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी कर्मचारी की गिरफ्तारी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एसओजी ने कटारा से मिली जानकारी के बाद कुछ लोगों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए भी बुलाया है। इन लोगों को अलग अलग तारीख देकर पूछताछ के लिए एसओजी मुख्यालय बुलाया जा रहा है, जिनसे पेपर लीक के संबंध में अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही है। बाबूलाल कटारा ने रीट की तरह एसआई का पेपर लीक किया, पेपर लेकर पहले सवालों को हाथ से लिखवाया और फिर उसकी फोटोकॉपी कराई। रामूराम रायका को भी हाथ से लिखा हुआ एसआई का पेपर दिया था। कटारा ने यह पेपर कहां से और किसकी मदद से निकाला, इसकी जांच अब एसओजी कर रही है। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और एमएलएसयू उदयपुर का एकमात्र एक्रेडिटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें बीसीए, बीकॉम, बीएससी, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बीए, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएसटीसी, एमए, एमएससी, एमकॉम। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का, तो आज ही ज्वाइन करें आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।